दरभंगा में एक प्रोफेसर पर छात्राओं ने अपनी न्यूड फोटो भेजने का आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि LNMU के PG हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अखिलेश कुमार नंबर लेकर रात में फ़ोन करते हैं और अश्लील बातें करते हैं, उन्हें मना करते हैं तो वो करियर बर्बाद करने की धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि बात नहीं मानोगी तो नंबर काट लूँगा। छात्राओं ने बताया कि प्रोफेसर उन्हें धमकी देता है कि तुम चाहो जिससे शिकायत करो, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। इधर प्रोफेसर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। मामले में कार्रवाई को लेकर यूनिवर्सिटी में UGC की ओर से गठित कमेटी को रिपोर्ट भेज दी गई है। आरोप है कि वो छात्राओं को अपनी नंगी तस्वीर भेजा करते थे, उनसे अश्लील बातें भी करते थे। इसे लेकर विभाग के छात्र छात्राओं ने उनकी क्लास का बहिष्कार कर दिया है। लगातार मानसिक प्रताड़ना के बाद स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट गया और विश्वविद्यालय प्रशासन से लिखित शिकायत की। छात्राओं ने इस मामले में कई तरह के ऑडियो और व्हाट्सएप के चैट के सबूत भी दिए हैं। वहीं PG की कई छात्र छात्राओं ने प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। टीचर के नाम पे कलंक है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा धमकाता है कि अगर मेरे हित में नहीं रहोगी तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, रोड पे ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ तक कि हम लोग अगर घर से आते हैं तो हम लोग को हमेशा भय बना रहता है। तो कॉल करता है, बात करता है उससे, हमसे बात करो, नहीं बात करोगे तो तुम्हारा नंबर काट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब हमेशा धमकाता रहता है। वो मुझे मानसिक तौर पे भी प्रताड़ित करते हैं, उससे पहले भी सर को उनकी दे चुके हैं, कोई कार्रवाई उनके अभी तक नहीं हुआ है और उससे गाली गलौज करते हैं, दिन आए दिन वो मुझे प्रताड़ित करते हैं। स्टूडेंट्स का आरोप है कि सर यानी प्रोफेसर अखिलेश द्वारा बार बार धमकी दी जाती है। वो कहते हैं कि मेरी बातों को मानो, मैं जो कहता हूँ वह करो, नहीं तो पास नहीं कर पाओगे, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, मेरे पहुँच बहुत ऊपर तक है। छात्राओं का आरोप है कि प्रोफेसर अखिलेश छात्राओं को अकेले घर पर बुलाते हैं, छात्राओं को अर्धनग्न अवस्था में वीडियो कॉल करते हैं। इससे छात्राएं काफ़ी डरी हुई महसूस कर रही हैं, कहती हैं कि सनकी टाइप से सर हैं, पता नहीं कब क्या कर बैठेंगे, जल्द से जल्द उनको यहां से हटाया जाए, नहीं तो कुछ बड़ी घटना हो सकती है। अपने आप को राज्यपाल के भतीजा बताने के साथ साथ कहते हैं, जब कुलपति कुछ नहीं कर सकता तो तुम लोग क्या कर पाओगी, कहीं भी जाओ मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। मामले के बाद छात्राओं ने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र साहू से शिकायत की है। प्रोफेसर साहू ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने इससे संबंधित रिपोर्ट कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद को भेज दी है। कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक ने बताया कि मामले में कार्रवाई को लेकर यूनिवर्सिटी में UGC की ओर से गठित कमेटी को रिपोर्ट भेज दी गई है। विभागाध्यक्ष की ओर से कुलसचिव को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी शिक्षक विभाग की छात्राओं के मोबाइल नंबर लेकर रात में उनसे अश्लील बात करते थे। छात्र छात्राओं ने विरोध किया और उनकी क्लास में नहीं जाने का निर्णय लिया। इधर प्रोफेसर अखिलेश कुमार का कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है। HOD के खिलाफ मार्च में मैंने कुलपति को आवेदन दिया था, तो खुन्नस निकाल रहे हैं, छात्रों को प्रेरित कर षड्यंत्र रचा जा रहा है।